बस्तर जिले के बस्तानार बस स्टैंड से पुलिस ने नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री सप्लाई करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसके बैग की तलाशी ली, जिसके पास से पुलिस ने डेटोनेटर सहित तार और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सीएसपी हेमसागर सिदार ने बताया कि सूचना मिली थी कि संदिग्ध व्यक्ति विस्फोटक सामग्री नक्सलियों को सप्लाई करने के उद्देश्य से बस्तानार बस स्टैंड में खड़ा है, जिस पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए संदिग्ध व्यक्ति को बस स्टैंड से घेराबंदी कर पकड़ा गया है, जिससे कड़ाई से पूछताछ करने पर अपना नाम मंगलू मडकामी बताया। आरोपी ने भरमगढ़ क्षेत्र में नक्सलियों के लिए विस्फोटक सामग्री ले जाना स्वीकार किया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने थाने में मामला दर्ज कराते कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस इस मामले में आगे की जांच में जुटी है। बस्तर पुलिस को नक्सलियों के सप्लाई चेन पर कार्यवाही करने में सफलता मिली है। थाना कुरेलार को सूचना प्राप्त हुआ था कि किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ विस्फोटक सामग्री नक्सलियों को जो है सप्लाई किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी कोड़ेनार विकास चंद्र राय के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु एक टीम गठित कर बस्तानार की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा बस्तानार बस स्टैंड में संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया है।